गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे। सम एवरेजेस आपको कैलकुलेट करने के लिए नोट कराया था। वीएक्स स्क्वायर थ्री डायमेंशन पार्ट के लिए लास्ट लेक्चर में जो आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्कस किया है, दैट प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर आप यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर बाई टू के बी टी वी एक्स स्क्वेयर डी वी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर by 2 kbt dvx, जो y component और z component वाले integrations हैं वो denominator और numerator में same रहेंगे। ये y कंपोनेंट के लिए सिमिलर फॉर्म z कंपोनेंट के लिए मिलेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस m v z स्क्वायर बाय ट्वाइस के बी टी डी वी जेड डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस m v z स्क्वायर बाय टू के बी टी डी वी जेड। दीज इंटीग्रेशंस वाई और जेड कंपोनेंट वाले इंटीग्रेशंस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम है, जहां तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। और जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे ये इंटीग्रेंड इवन है, लिमिट इक्वल अपोजिट, इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ पार्ट के लिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आ रही है क्लियर। मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है। Only x component वाले integral value को यहाँ पे आप find करेंगे, y और z वाले terms ratio में one हो जाएंगे। Gamma function का standard integration apply करेंगे, तो exponent में square term है और यहाँ पे भी यहाँ पे power 2 है और denominator में power 0 है, तो numerator part में gamma 3 by 2 बनेगा, 2 plus 1 by 2 gamma 3 by 2, that is हाफ रूट पाई डिवाइडेड बाई एम बाई टू के बी टी टोटल पावर 3/2। डिनोमिनेटर पार्ट के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो गामा हाफ बनेगा, दैट इज स्क्वायर रूट पाई एम बाई टू के बी टी टोटल पावर 1/2। एम बाई टू के बी टी पावर हाफ यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर वन प्रेजेंट रहेगा, रूट पाई एडजस्ट हो जाएगा और ये टू के बी टी न्यूमरेटर में जाएगा। इस टू को एडजस्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा के बी टी बाई एम। और भी आपको एवरेजेस शायद फाइंड करने के लिए नोट कराए होंगे, वी वाई स्क्वेयर वी जेड स्क्वेयर सिमिलर अप्रोच से फाइंड करेंगे। तो अब की बार ये इंटीग्रल की वैल्यू आपको के बी टी वाई एम मिला है, जब आप वी वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्स और जेड कंपोनेंट, वाई डिपेंडेंट इंटीग्रल में यहाँ पे मल्टीप्लाई में वी वाई स्क्वायर बनेगा और ये कंडीशन फिर से सेम आएगा, क्योंकि जो फॉर्म है वाई कंपोनेंट के लिए फॉर्म जो एक्स कंपोनेंट के लिए फॉर्म यहाँ पे है उससे मैच करेगा। और डेफिनेट इंटीग्रल में अगर इंटीग्रेंट फॉर्म मैच करता है, लिमिट मैच करती है, तो रिजल्ट भी सेम आएगा। तो ये वी वाई स्क्वायर एवरेज यहाँ पे के वी टी बाई एम बनेगा। ऐसे जेड कंपोनेंट के स्क्वायर के लिए जब आप एवरेज फाइंड करेंगे तो ये के वी टी बाई एम बनेगा। इसी में आपको वी स्क्वायर एवरेज फाइंड करने के लिए शायद फाइंड बोला होगा, तो वी स्क्वायर एवरेज के लिए वी एक्स स्क्वायर एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर एवरेज प्लस वी जेड स्क्वायर एवरेज, दीज थ्री एवरेजेस को ऐड करेंगे तो 3 के बी टी बाई एम बनेगा,
थ्री डायमेंशन में यही एवरेज आपको स्पीड के लिए बताया था। आप ये कंपेयर कर सकते हैं, सी स्क्वायर एवरेज आपको 3 KBT/m बताया था। तो यहाँ से VRMS अगर आप फाइंड करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए पार्ट अगर आप ये फाइंड करें, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो ये टर्म फिर से स्पीड से मैच कर जाएगा। और मैच करने का रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्शन पार्ट यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा और रिजल्ट स्पीड से मैच करेगा, बट जो वन पावर वाले रिजल्ट हैं वो मैच नहीं करते हैं। सी एवरेज आपने कोई और फॉर्म नॉन जीरो वैल्यू कैलकुलेट किया था, और वी एवरेज लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया तो वो जीरो है। तो जहाँ पे डायरेक्शन पार्ट आ रहा होगा उन पावर के लिए रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे डायरेक्शन टर्म एक्सक्लूड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वो टर्म स्पीड से मैच कर जाएंगे। इसके अलावा तो शायद कोई और फॉर्म नोट नहीं किया होगा दीज पार्ट के लिए, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए लास्ट लेक्चर में। और एक था सर, V2 का प्रोडक्ट, Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर प्रोडक्ट। यस सर, तो प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ पे चेक करें, अभी ये जो इंटीग्रल पार्ट है, अगर Vx स्क्वायर और Vy स्क्वायर एवरेज को आपको चेक करना हो इसी इंटीग्रेशन पार्ट में, तो ये अब की बार ये Vx स्क्वायर यहाँ पे है और Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया है dVy। ये रिजल्ट अभी आपने फाइंड किया, इसके इक्विवेलेंट भी रिजल्ट सेम बनेगा, ये टर्म रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इजीली सिमिलर अप्रोच से आप फिर से ये प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो 3 KBT/m Vx स्क्वायर के लिए और 3 KBT/m Vy स्क्वायर के लिए, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए इसी इंटीग्रेशन पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट में आप नोट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट केस के लिए है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी अनदर कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट होगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में वेरिएबल सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने से जो इंटीग्रेशन पार्ट है उनके रिजल्ट सबके सेम आएंगे। तो ये जो इस प्रोडक्ट स्क्वायर का स्क्वायर के प्रोडक्ट का एवरेज है यहाँ पे केबीटी, हाँ जी KBT/m, ये थ्री टर्म हट जाएगा, ओनली KBT/m, क्योंकि मैंने ये पार्ट का नोट कर दिया। यहाँ पे ये प्रोडक्ट का आपको नोट करना है इस पार्ट को। तो ये आपको मैं हिंट कर रहा था कि रीजन भी आपको पता होना चाहिए इसका, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एडिटिव है, तो ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के स्क्वायर के एवरेज का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के स्क्वायर का एवरेज आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है और ये स्क्वायर टर्म आपको आएगा। तो थ्री डायमेंशन के लिए ये पॉइंट्स मैंने अब आपको डिस्कस किए हैं। अगर डायमेंशन चेंज करेंगे तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस होंगे वो आप यहाँ पे फिर से चेक कर सकते हैं। तो टू डायमेंशन के लिए डिस्कस करते हैं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशन के लिए, तो स्टेटमेंट सेम रहेगा, ओनली जहां से आपको ये नोट कराया था फिल्ड गैस फिल्ड इन ए कंटेनर ऑफ थ्री डायमेंशन वॉल्यूम था पहले, अब यहाँ टू डायमेंशन एरिया पार्ट आ जाए। तो टू डायमेंशन में वेलोसिटी में ओनली आपको टू एक्सिस यहाँ पे कंसीडर करना है, वी एक्स और वी वाई। तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वहाँ पे ओनली टू कंपोनेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, वी एक्स आई एंड वी वाई जे। चेंज इन वेलोसिटी पार्ट के लिए डी वी एक्स आई कैप प्लस डी वी वाई जे कैप, ये आपको वेलोसिटी चेंज के लिए आपको रिजल्ट बनेगा। ये नोटेशंस आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, वेलोसिटी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, या इसी पार्ट को आप कंपोनेंट वाइज नोट करते तो ये प्रोबेबिलिटी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के लिए रेंज में लाई करने के लिए प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो ये रिजल्ट फिर से आप अगर फाइंड करेंगे तो m बाई 2 π KBT टोटल पावर, थ्री डायमेंशन में 3/2 था, टू डायमेंशन में ये पावर टोटल प्रोडक्ट में 1 बनेगा, जिसको स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट आप नोट कर सकते हैं।
एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाय टू के बी टी डी बी एक्स, एम बाय टू पाई के बी टी टोटल पावर वन बाय टू, एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी वाई स्क्वायर बाय टू के बी टी डी वी वाई। तो ये x कंपोनेंट के लिए प्रोबेबिलिटी और ये y कंपोनेंट के लिए प्रोबेबिलिटी, दीज पार्ट का प्रोडक्ट आप कर रहे हैं। तो शार्प वैल्यू के लिए आप इंटरवल पार्ट को एलिमिनेट कर लेंगे, इंटरवल पार्ट का कोफिशेंट ओनली यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो कार्टेशियन कंपोनेंट में प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशंस क्या होंगे, थ्री डायमेंशन में, टू डायमेंशन में और वन डायमेंशन में, ये आपको यहाँ पे सभी को नोट कर दें। टू डायमेंशन के लिए मैंने आपको नोट कर दिया। टू डायमेंशन में अगर आप वी एक्स एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो मैं इंटीग्रल पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा, आप वहाँ पे आप कंपेयर करेंगे जो ये इंटीग्रेशन वन कंपोनेंट वन पावर के लिए आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, तो ये पार्ट यहाँ से एबसेंट हो जाएगा, ओनली इस इंटीग्रल में वी एक्स पावर वन आ जाएगा, ये पार्ट ऐसे ऐसे रहेगा। तो ये फिर से वन कंपोनेंट को अगर थ्री डायमेंशन में जो आपने नोट किए रिजल्ट्स वहाँ से जेड कंपोनेंट को हटा दें, जेड कंपोनेंट के रिजल्ट को हटा दें, तो ये टू डायमेंशन के रिजल्ट्स के लिए स्टेप आपको फॉलो हो जाएंगे और ये टर्म जीरो आएगा। वाई कंपोनेंट का एवरेज भी जीरो आएगा, वेलोसिटी एवरेज जीरो बनेगा। बट अगर आप इसके स्क्वायर के रिजल्ट्स फाइंड करेंगे तो जो थ्री डायमेंशन में वी एक्स स्क्वायर सिंगल कंपोनेंट के स्क्वायर का जो रिजल्ट था वो अभी भी यहाँ पे सेम बनेगा, पी वाई स्क्वायर के लिए भी सेम बनेगा। अगर आप यहाँ पे वी स्क्वायर एवरेज फाइंड करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में ओनली टू कंपोनेंट हैं, तो वी एक्स स्क्वायर एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर एवरेज फाइंड करना होगा। और यहाँ पे ये पार्ट जो थ्री डायमेंशन में थ्री के बी टी वाई एम था, ये टू डायमेंशन में टू के बी टी वाई एम बनेगा। तो सिमिलर रिजल्ट्स आप जो थ्री डायमेंशन के लिए फाइंड किए हैं वो टू डायमेंशन में भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन पता है उसका यूज करके आप टू डायमेंशन वन डायमेंशन थ्री डायमेंशन किसी में भी एवरेजेस फाइंड कर सकते हैं। वन डायमेंशन के लिए यहाँ पे ओनली एक्स कंपोनेंट वाला पार्ट प्रेजेंट रहेगा, बाकी पार्ट एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो वन डायमेंशन के लिए आपको ओनली सिंगल एक्सिस कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी में ओनली सिंगल कंपोनेंट होगा, देन प्रोबेबिलिटी फॉर रेंज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एम बाई टू पाई के बी टी टोटल पावर वन बाई टू, एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाई टू के बी टी डी वी एक्स। शार्प वैल्यू ऑफ वेलोसिटी के लिए एम बाई टू पाई के बी टी टोटल पावर वन बाई टू, एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाई टू के बी टी। वेलोसिटी एवरेज अगर आप यहां पे फाइंड करेंगे तो जीरो बनेगा, और वी स्क्वायर एवरेज यहां पे वन डायमेंशन में फाइंड करेंगे तो के बी टी बाई एम बनेगा। अगर यहां पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फाइंड करने लगे तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पार्ट आप इस पार्ट से फाइंड करेंगे, तो आप इसका डिफरेंशियल करके चेक कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए ये पार्ट को आप डिफरेंशियल करेंगे, जीरो के इक्वल प्लेस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जीरो बनेगा। जो स्पीड के लिए फॉर्म था आप चेक कर लिए, वी एक्स स्क्वायर को और सी स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो वही पार्ट आपको यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कंपोनेंट के लिए आपने जीरो फाइंड कर लिया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये जीरो बनेगा। जो रिक्वायर्ड होगा प्रॉब्लम के टाइम पे, जो मैंने स्पीड के थ्री डायमेंशन के रिजल्ट्स बताए हैं, वेलोसिटी के लिए थ्री डायमेंशन के रिजल्ट बताए हैं, वो आपको रिकॉल होने चाहिए। इसी में समटाइम मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिजल्ट पूछा जाएगा, तो वो फिर से आप उनको सिमिलर वे में फाइंड कर सकते हैं। अगर मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो रिजल्ट्स मैंने वेलोसिटी के टर्म्स में बताए हैं, तो मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन में आप मास इनटू वेलोसिटी फॉर्म यूज करके
मैं जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड होगा तो आगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो एनर्जी पार्ट है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पी स्क्वायर बाई टू आई से हम यूज करेंगे, अगर वेलोसिटी पार्ट से आपको यूज करना होगा तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी आप यूज करेंगे। अगर ये थ्री डायमेंशन के लिए आप अप्लाई करें तो थ्री डायमेंशन में अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है मोमेंटम के कंपोनेंट पी एक्स पी वाई और पी जेड के लिए, तो ये डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड रेंज वैल्यू के लिए, तो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर ये एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई के प्रोपोर्शनल बनेगा, दैट इज पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम के बी टी, इसको आप कंपोनेंट में ओपन करेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रल करके, जैसे आपने वेलोसिटी के लिए फाइंड किया, तो सिमिलर अप्रोच से आप रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं अगर एग्जैक्ट फॉर्म भी आपको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में तो जो मल्टीपल फैक्टर था वो एम बाई टू पाई के बी टी पावर थ्री बाई टू बन रहा था, मोमेंटम के टर्म्स में ये रिजल्ट चेंज हो सकता है, जो चेंज होगा तो आप सिमिलर अप्रोच से फाइंड कर लेंगे जो रिक्वायर्ड होगा। ऐसे ही जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगा तो एनर्जी को ई रखेंगे, इंटरवल पार्ट एनर्जी के लिए यूज करेंगे, वो रिजल्ट सिमिलर वे में फाइंड कर सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस टाइप के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा उसके लिए आप अप्लाई कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप दैट टाइम पे ही ये रिप्लेसमेंट कर लेंगे। तो क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन एक स्केलर पार्ट है एक वेक्टर पार्ट है, वो दोनों कॉन्सेप्ट आपको इंक्लूड हो गए, जो मोमेंटम में आपको वेक्टर क्वांटिटी के लिए रिक्वायर्ड होगा और एनर्जी में फिर स्केलर वैल्यू के लिए आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। पेज नंबर 24 प्रॉब्लम नंबर 14 प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 24 प्रॉब्लम नंबर 14 कंसीडर ए क्लासिकल गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T1 एंड T2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली represent the qualitative behavior of the probability density function of the x component of velocity. तो x component of velocity के लिए अब आपको ये dimension अगर आपको यहाँ पे defined नहीं है तो आप compare करें, चाहे one dimension हो x component के लिए ये probability function है, चाहे two dimension हो x component के लिए ये form है, चाहे three dimension हो फिर से आपको फॉर्म सेम बनेगा एक्स कंपोनेंट के लिए। जब फॉर्म सेम है तो आप इसी पार्ट से प्रोबेबिलिटी फंक्शन को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये चेक करना कि पीक कहाँ पे बनेगा, और एक्स कंपोनेंट के लिए पीक आपको मैंने हिंट किया कि वो जीरो पे बनेगा, तो ये पॉइंट आपको चेक करना है, मोस्ट प्रोबेबल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो जीरो बनेगा। तो अगर आप ये कंपेयर करें तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों रॉन्ग हो गए। अब टू डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं बट आपको टेम्परेचर का कंपेरिजन नहीं दिया है, तो कोई एक टेम्परेचर पे अगर हाइट हायर होगा तो उसका विड्थ लेस है, और जो अनदर टेम्परेचर है उसका अगर विड्थ डिक्रीज हाइट डिक्रीज करेंगे तो उसका विड्थ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको पहले डिस्कस किए हुए हैं स्पीड पार्ट में, वो सिमिलर अप्रोच आपको यहाँ पे पार्ट को कंपेयर करने के लिए ये पार्ट को कंपेयर करने के लिए हिंट रहेगा, क्योंकि टोटल एरिया जब प्रोबेबिलिटी वर्सेस वेलोसिटी आप प्लॉट करेंगे वो एरिया फिर से फिक्स रहेगा, अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको कंपेयर करेंगे टेम्परेचर हायर है तो एरिया सेम रखने के लिए विड्थ इंक्रीज होगा, हायर टेम्परेचर पे तो हाइट डिक्रीज करेगा। तो वो पॉइंट टेम्परेचर का कंपेरिजन नहीं दिया है, बट वो आप यहाँ पे अगर ऐसा कंपेयर करें सी और डी ऑप्शन जिसमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए पॉइंट यहाँ पे फुलफिल हो रहा है सी और डी में, तो ये आप कंपेयर करिए डी ऑप्शन में दोनों पीक सेम हाइट पे हैं जो रॉन्ग है। प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे क्योंकि टू डिफरेंट टेम्परेचर हैं, फर्स्ट टेम्परेचर के लिए और सेकंड टेम्परेचर के लिए ये पीक वैल्यू
ये पार्ट मैक्सिमम यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। सेकेंड टेम्परेचर के लिए जो पीक बनेगा उससे डिफरेंट बनेगा दोनों का, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है, और डिफरेंट पीक वो सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 3। ये मैंने थियोरी पार्ट में ही ये पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दिए हैं, वो आप एक बार स्टेटमेंट रीड करते जाएं और कंपेयर करते चले जाएं। पेज नंबर 7 पे प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको नोटेशंस वी रिप्रेजेंट किया है। इफ बी बार वीपी एंड वीआरएमएस डिनोट द एवरेज मोस्ट प्रोबेबल एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज रेस्पेक्टिवली ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीड, तो नोटेशन वी दिया है बट वो स्पीड के लिए है। ऑफ ए गैस एट रूम टेम्परेचर बीइंग मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। और ये पार्ट आपको मैंने पहले हिंट किया था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लेस मिनिमम होता है, एवरेज स्पीड इंटरमीडिएट में आता है, और वीआरएमएस दीज थ्री स्पीड में मैक्सिमम होता है। तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं, वीपी लीस्ट है और वीआरएमएस मैक्सिमम है, डी ऑप्शन करते हैं। पेज नंबर 7 पे 6 द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास है, काइनेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के जो पॉइंट्स हैं वो भी काइनेटिक थ्योरी पे ही बेस्ड है, और काइनेटिक थ्योरी में भी आपको सिमिलर एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। और अगर डायमेंशन मेंशन नहीं है तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये हिंट किया था कि आप थ्री डायमेंशन के लिए इसको यूज करेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये आपको थ्री डायमेंशन के लिए लास्ट लेक्चर में हिंट किया है, 3 KBT/s। पेज नंबर 10 प्रॉब्लम नंबर 34 A classical gas of molecules each of mass m is in thermal equilibrium at absolute temperature capital T. The velocity component of the molecule along the Cartesian axis are Vx, Vy and Vz. The mean values of Vx plus Vy square. तो आपको यहाँ पे क्योंकि statement में mention किया हुआ है velocity, तो velocity के लिए आपको result use करना है। Vx plus Vy स्क्वायर का एवरेज फाइंड करना है, और इसका एवरेज फाइंड करने के लिए वी एक्स स्क्वायर एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर एवरेज प्लस ट्वाइस वी एक्स वी वाई एवरेज, और जो प्रोबेबिलिटी मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, यहाँ पे आपको ये हिंट किया कि थ्री डायमेंशन के लिए आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं वी एक्स वी वाई वी जेड, बट यहाँ पे थ्री डायमेंशन में से ओनली 2 कंपोनेंट का कंडीशन आपको यहाँ पे चेक करना है। तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म पे अगर आप जाएं तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के एवरेजेस का प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं। वी एक्स स्क्वायर अभी आपको डिस्कस किया था KBT/m, वी वाई स्क्वायर भी आपको डिस्कस किया KBT/m, और ये टर्म 0 हो जाएगा। बीस को ऐड करेंगे तो 2 KBT/s। लास्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है? जी सर। यस सर। इस पार्ट पे अगर डाउट हो तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे आपको ये सजेस्ट किया था लास्ट लेक्चर में, शायद ये पॉइंट बताया होगा, अगर इस एक्सप्रेशन पे जाएं तो ये प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए
आपको यहाँ पे वी एक्स लेना है और यहाँ पे वी वाई लेना है। तो आप चेक कर सकते हैं, ये टर्म भी रिजल्ट इंटीग्रल का जीरो बनेगा और ये टर्म का भी जीरो बनेगा। या आप ये सेपरेटली चेक करें तो ये वी एक्स का एवरेज है और ये वी वाई का एवरेज है। तो ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के एवरेजेस बन जाएंगे प्रोडक्ट फॉर्म, वो आप फाइंड कर सकते हैं, वो जीरो बन जाएंगे। पेज नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 35, स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए। पेज नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 35। कंप्लीट हुआ 10 का 35। सर ऑप्शन ए मैं डिस्कस करता हूँ, कंपेयर कर लेंगे। पहले वैल्यू कैलकुलेट कराता हूँ फिर ऑप्शन से सेलेक्ट करते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर टी एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर इज फाउंड टू बी 400 मीटर पर सेकेंड। सपोज टेम्परेचर को आप टी ले रहे हैं, यहाँ पर गिवन भी है, और जो स्पीड नोटेशन है एवरेज स्पीड नोटेशन वो सी बार है और ये वैल्यू 400 मीटर पर सेकंड दिया है। एवरेज स्पीड का आपको एक्सप्रेशन भी पता है, द मोस्ट प्रोवेलेंट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर रेस्पेक्टिवली। सम कैंडिडेट ने हो सकता है कि इस एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन यूज किया हो, 8 kbt/πm और ये 400 के इक्वल रख के यहां से टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड किया हो। मेथड करेक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं, बट एक इजी अप्रोच है। जो टर्म आपको फाइंड करना है, सपोज आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करना है, तो सीपी के लिए आप कंपेयर करिए। आपको ये फॉर्म डिस्कस किया है 3 डायमेंशन में, 2 kbt/m और एवरेज स्पीड आपको डिस्कस किया है 8 kbt/πm। तो यहां से ये kbt/m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको ये रेशियो बन गया √2/√8/π। तो आपको टेम्परेचर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ओनली ये न्यूमेरिकल वैल्यू को सिंप्लीफाई कर रही है। ऐसे ही अगर आपको CRMS फाइंड करना है तो CRMS/C एवरेज फाइंड करिए। CRMS वैल्यू आपको 3 kbt/m डिस्कस किया हुआ है। तो टेम्परेचर कैलकुलेशन में आप जो टाइम लगेगा वो आप सेव करके
ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये 355 मीटर पर सेकंड, जब ये सी बार की वैल्यू प्लेस करेंगे और सी आर एम एस वैल्यू 434 मीटर पर सेकंड। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को, आप सी बार से मल्टीप्लाई करके ये मैच कर जाए। एक आप जरूर नहीं कि वो स्टेप वो इस मेथड से आप ऑल टाइम फाइंड कर पाएं, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो डिस्कस किया है उससे आप ऑलवेज फाइंड कर पाएंगे, बट अगर आप ये कैलकुलेट करने से पहले आप ऑप्शन चेक कर लेते तो मैंने आपको ये कंपेरिजन आर्टिकल में बताया है और यहाँ पे भी डिस्कस किया है, आपको सी एवरेज दिया था। अगर कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू सी एवरेज गिवन वैल्यू से लेस हो और वी आर एम एस हायर हो तो ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। आप चेक करिए जो सेकंड ऑप्शन है, मोस्ट प्रोबेबल रेस्पेक्टिव वैल्यूज फाइंड करनी है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू गिवन वैल्यू जो एवरेज स्पीड के लिए दिया है उससे ग्रेटर दिया है, 400 एवरेज स्पीड है और मोस्ट प्रोबेबल 820 दिया है जो रॉन्ग हो गए। डी ऑप्शन में जाइए, सी एवरेज आपको 400 दिया था, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 422 दिया है जो रॉन्ग होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल सी एवरेज से लेस होना चाहिए, तो बी और डी रॉन्ग होगा। अब थर्ड ऑप्शन में जाइए, थर्ड ऑप्शन में बीपी वैल्यू लेस तो दिया है बट सी आर एम एस वैल्यू को अगर आप चेक करें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को चेक करें तो वो भी लेस दिया है, जो सी आर एम एस वैल्यू लार्ज होना चाहिए। तो आप दीज थ्री ऑप्शन को रॉन्ग करके करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा जरूर नहीं कि आप ऑल टाइम सेलेक्ट कर पाएंगे, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन फॉर्मेट पर। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में ऐसा हो, ये कंडीशन फुलफिल हो रही होती तो आपको फिर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना है वो डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 12 पे, प्रॉब्लम नंबर 2। Consider a Maxwellian distribution of the velocity of the molecules of an ideal gas. Let Vmp and Vrms denote the most probable velocity and root mean square velocity respectively. Magnitude of ratio Vmp by Vrms. देखो प्रॉब्लम में एक माइनर सा कंफ्यूजन है, अगर आप ऑप्शन को चेक करें तो कहीं पे जीरो नहीं है, जबकि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जीरो बनेगा। वो भी मैंने आपको सजेस्ट जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया है, वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन, वहाँ पे आपको हिंट भी किया है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अगर लाइक दिस होता, मोस्ट प्रोबेबल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तब तो करेक्ट हो जाता, लास्ट में मैग्नीट्यूड का है, वीआरएमएस में तो ऑटोमेटिकली वो मैग्नीट्यूड आ गया, मगर जब आप पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे और उसका फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो जीरो ही बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को, जो मैंने सजेस्ट किया है सभी को क्लियर है? यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। अगर आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे पहले तो जीरो आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस तो कुछ है ही नहीं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे जीरो का मैग्नीट्यूड तो जीरो ही रहेगा। तो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में वर्ड तो लिखा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, बट जो रिजल्ट्स बनाए हैं उसके मैग्नीट्यूड के बनाए हुए हैं, क्यों? किसी ऑप्शन में रेशो जीरो नहीं है, अगर जीरो होता तो करेक्ट ऑप्शन बनता। स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है लेट वी एम पी इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो ये टर्म तो आप पहले फाइंड कर लेंगे, लास्ट में फिर मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मोस्ट प्रोबेबल फाइंड करेंगे तो स्पीड से मैच कर जाएगा, जो वैल्यू मैंने सीपी से डिस्कस किया था। तो नोटेशन तो जरूर यहाँ पे वीएमपी वेलोसिटी के लिए लिया है, बट रिजल्ट ये स्पीड के लिए बनाया हुआ है। जब ये रिजल्ट स्पीड के लिए बनाएंगे तब ये रूट टू के वी टी बाई एम बनेगा, बट अगर वेलोसिटी के लिए बनाते हैं ये पार्ट तो ये जीरो बनता है। ये कहीं पे नोट कर लेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वैल्यू जीरो बनेगा बट स्पीड के लिए टू के वी टी बाई एम बनेगा थ्री डायमेंशन में। और ये वी आर एम एस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑटोमेटिकली आप जब स्क्वायर का एवरेज करेंगे तो डायरेक्शन पार्ट एलिमिनेट होकर रिजल्ट स्पीड से मैच कर जाएगा, और जब मैच करेगा तो ये 3 KBT/m बने। ये आप रेशियो लेंगे, तो स्क्वायर रूट 2/3 बनेगा। थर्ड ऑप्शन
नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 12 पे प्रॉब्लम नंबर 3, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू द रीजन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बाई ए पोटेंशियल विच इंक्रीजेज लीनियरली एज यू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स द मीन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टेम्परेचर टी। अगर आपको मीन पोजिशन फाइंड करना है, इस टर्म का अगर आप मीन फाइंड कर लें, यू फंक्शन ऑफ एक्स का अगर मीन फाइंड करेंगे, यू नॉट कॉन्स्टेंट है, पोजिशन के लिए आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा। बट अगर आप इसको इक्विपार्टीशन थ्योरम और विरियल थ्योरम के रिजल्ट्स को यहाँ पर रिलेट करें, क्योंकि यहाँ पे पावर वन है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वन डायमेंशन के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ के बीटी होता है। ये मोर टाइम आपको हैंड हो गया। इस अप्रोच से आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ये हाफ फैक्टर एडजस्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म, ये आपको यू का एवरेज फाइंड करना है, दैट इज यू नॉट एक्स एवरेज, देन मीन पोजिशन इज के बी टी बाई यू नॉट, फर्स्ट ऑप्शन कर लेंगे। दीज टू प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे। So 19 पे 24 कर चुके हैं ना? मैंने शायद प्रॉब्लम नंबर गलत नोट कर दिया है, 25 है सर। ट्वेंटी फोर पहले डिस्कस हो चुका है, 25। ए गैस द मॉलिक्यूल्स ऑफ विच हैव सेम मास इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स। सपोज वेलोसिटी ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बी रिप्रेजेंटेड बाई वी वन एंड वी टू, एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स may be defined as
v1 minus v2 or v2 minus v1. This is relative velocity. अब स्टेटमेंट को रीड करें, रूट मीन स्क्वायर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ये पार्ट आपको यहां पे पूछा है। इट मींस आपको यहां पे फाइंड करना है रूट मीन स्क्वायर of these velocity difference. अगर आप पहले ये mean square velocity, relative velocity find कर लें, last में आप square root ले सकते हैं। v1 square average plus v2 square average और ये vector sign element हो जाएगा square में, minus twice v1 vector dot v2 vector average. यहां पे आप कंपेयर करें, ये फर्स्ट सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए थ्री डायमेंशन में मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो दिस वैल्यू इज 3 kbt/m. ये टर्म भी 3 kbt/m. बट दीज टू वेक्टर टर्म का जो एवरेज है वो जीरो हो जाएगा। जब जीरो करेंगे तो ये 6 kbt/m बनेगा। बट ये जो रिजल्ट है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए है। अगर आप इसका रूट फाइंड करने लगे तो आप कंपेयर करिए, वो ऑप्शन में प्रेजेंट है। रिजल्ट बनना चाहिए 6 kbt/m टोटल पावर हाफ, बट ये ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो आप स्टेटमेंट में जो वर्ड है रूट उसको हटा के आप मीन स्क्वायर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी करेक्ट कर लें, तब ये रिजल्ट मैच करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? Yes, ये रिजल्ट मीन स्क्वायर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए करेक्ट है, रूट के लिए ये पार्ट आना चाहिए जो ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो डी ऑप्शन मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए करेक्ट है, मीन स्क्वायर रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे प्रॉब्लम नंबर 20। कंसीडर ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन हैविंग द मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज 5.31 × 10⁻²⁶ किलोग्राम। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो आपको यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करना है, दैट इज 3 kbt/m। अब आपको टेम्परेचर भी दिया है, मास की वैल्यू दी हुई है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये आप कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैच कर जाएगा। जो ऑप्शन में जो रिजल्ट हैं वो आप चेक कर लीजिए। टेम्परेचर आपको गिवन है 300, मास वैल्यू आपको स्टेटमेंट में गिवन है 5.31 × 10⁻²⁶। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लीजिए। ट्राई किए हो तो वैल्यू बताएंगे क्या आ रहा है। फोर एटी थ्री पॉइंट सिक्स थ्री जो नियरली 484 में राउंड ऑफ हो जाए। लास्ट ऑप्शन से मैच कर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 22, प्रॉब्लम नंबर 5।
प्लीज प्रॉन्स को ट्राई करिए। प्रीवियस स्लाइड सर प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। फाइव का ऑप्शन बी है 22 के बाद। दीज जो प्रॉब्लम्स नोट किए उनको ट्राई कर लीजिए, भी डिस्कस करता हूँ। डिस्कस करता हूँ, कंपेयर कर लें। पेज नंबर 22, प्रॉब्लम नंबर 5। द स्पीड वी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ मास एम ऑफ एन आइडियल गैस ओबेज मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एट एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी। लेट वी एक्स वी वाई वी जेड डिनोट द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी एंड के बी बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फा Vx माइनस बीटा Vy होल स्क्वायर, ये टर्म का एवरेज फाइंड करना है। इसका स्क्वायर पहले ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर Vx स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर बीटा स्क्वायर Vy स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा Vx Vy, और दीज का सेपरेटली एवरेजेस फाइंड करेंगे तो अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट है तो ये पार्ट आपको फाइंड करना, और जो फाइंड करेंगे तो ये टर्म का वैल्यू जीरो है, और सिंगल कंपोनेंट के लिए आपको ये रिजल्ट बताया था के बी टी बाई एम, और बोथ वी एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर के लिए के बी टी बाई एम मिलेगा, वो कॉमन आ जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बी टी बाई एम। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बी टी बाई एम सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। पेज नंबर 35, प्रॉब्लम नंबर 13। ये आपको कंपेरिजन बताया हुआ है वी आर एम एस वी मीन एंड वी एम मोस्ट फेवरेबल। वी आर एम एस के लिए स्क्वायर रूट 3, वी मीन के लिए स्क्वायर रूट 8/π और मोस्ट प्रोबेबल के लिए रूट 2। रूट 3, रूट 8/π, रूट 2
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। 35 पे 14, द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन ए गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज वी, व्हाट टेम्परेचर इट विल बी एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बी ट्वाइस वी। आपको एवरेज स्पीड के लिए नोटेशंस दिए हैं वी और टेम्परेचर चेंज करके ट्वाइस वी, तो सी आर एम एवरेज स्पीड, सी एवरेज रिकॉल करें ये स्क्वायर रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट स्केल पे मैंने आपको हिंट किया था, तो यहाँ से आप सी टू एवरेज बाई सी वन एवरेज ये आपको स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है, ट्वाइस वी वाई बी दैट इज टू। तो जब आप ये कंपेयर करेंगे तो बाकी फैक्टर्स इस टेम्परेचर के अलावा जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो रेशियो में एलिमिनेट हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू टू, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, देन टी टू इज फोर टाइम्स ऑफ टी वन, बट टी वन और टी टू ये एब्सोल्यूट स्केल पे हैं, तो फोर इंटू टी वन 273 प्लस 20। अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगा ऑप्शन में वो सेंटीग्रेड स्केल पे हैं, यहाँ से 273 डिफरेंस करेंगे तब आपको रिजल्ट बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 36, प्रॉब्लम नंबर 24। ए गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच हैविंग मास एम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर कैपिटल टी, लेट वी एक्स वी वाई वी जेड टू बी द कार्टेशियन कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वी वेक्टर ऑफ ए मॉलिक्यूल, द मीन वैल्यू ऑफ वी एक्स माइनस अल्फा वी वाई प्लस बीटा बी जेड स्क्वेयर होल स्क्वेयर। और यहाँ से आप पहले स्क्वायर करेंगे फिर इनका एवरेजेस फाइंड करेंगे, तो जो म्यूचुअल टर्म्स होंगे म्यूचुअल डिफरेंट कंपोनेंट का प्रोडक्ट आएगा वो जीरो बनेगा, ओनली सिंगल टर्म के जो स्क्वायर वाले टर्म है इंडिविजुअल टर्म के स्क्वायर वाले टर्म है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर एवरेजेस आपको बताए हुए हैं के बी टी वाई एम, तो यहाँ से इसका कोफिशेंट वन है, इसका कोफिशेंट अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बीटा स्क्वायर, डीज के एवरेजेस में जब आप के बी टी ये बाई एम कॉमन लेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा, ये आप ऑप्शन में सेलेक्ट कर लीजिए, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बी टी बाई एम फर्स्ट ऑप्शन मैच करता है। अभी कहीं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आएगा वो आप अप्लाई कर लेंगे। एक प्रॉब्लम और आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ शायद वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में होगा, पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 40, पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 40, स्टेटमेंट एक बार रीड कर लीजिए, समस्या सॉल्व करिए।
मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कंपेयर कर लेंगे। कंसिडर गैस ऑफ एटम्स ओबेइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटिस्टिक्स द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल आई ए डॉट पी ओवर ऑल मोमेंटा पी ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स वेयर ए इज कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड स्मॉल ए इज इट्स मैग्नीट्यूड एम इज द मास ऑफ ईच एटम एंड टी इज टेम्परेचर एंड के इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। अगर आपको मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म पता हो प्रोबेबिलिटी पार्ट के लिए, तो ये मोमेंटम का फंक्शन है, इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। जो मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट फैक्टर होगा मोमेंटम से इंडिपेंडेंट रहा, वो उसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। न्यूमेरेटर पार्ट में इंटीग्रेशन, थ्री डायमेंशन में ट्रिपल इंटीग्रल बनेगा, वन डायमेंशन में सिंगल इंटीग्रल, टू डायमेंशन में डबल इंटीग्रल। तो डायमेंशन मेंशन नहीं है, तो मैं जनरली इसको थ्री डायमेंशन पे ही कर रहा। प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई में जब आप एनर्जी को मोमेंटम में कन्वर्ट करेंगे तो पी स्क्वायर बाई टू एम के बी टी, जो मैंने मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट के लिए हिंट भी किया, ये पार्ट बनेगा। और डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिसका एवरेज कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे न्यूमेरेटर में प्रोबेबिलिटी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें। डिनोमीटर में ओनली प्रोबेबिलिटी टर्म है, इसका न्यूमेरिकल इसका फॉर्म आपको नहीं पता है, इसलिए मैंने डिनोमीटर टर्म को इंक्लूड किया। अगर एस सच एग्जैक्ट फॉर्म पता होगा तो आप डिनोमीटर को इंटीग्रल पार्ट को वन कर लेंगे। अब रिकॉल करिए स्पीड के लिए भी, स्पीड के किसी फंक्शन का एवरेज फाइंड करना था तो मैंने यहाँ पे स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी टर्म नोट किया और इंटीग्रल कर दिया। जब वेलोसिटी के लिए फाइंड करना था तो वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिया और इंटीग्रल कर दिया। अब मोमेंटम के किसी फंक्शन का फाइंड करना है तो मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप ये मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल करेंगे। ये पॉइंट तक सभी को ये सेट क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे इसको सॉल्व करने के लिए ये जो यहाँ पे जो तब मैंने हाइड किया था वो डिनोमेटर न्यूमेरेटर से एडजस्ट हो जाएगा। अब इस एक्सपोनेंशियल में पी स्क्वायर को पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर नॉट करेंगे तो एक्सपोनेंट में एडिशन है जो डिफरेंट एक्सपोनेंशियल टर्म का प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ से आप इस सम से भी आप इसको कंपोनेंट में ओपन करेंगे, फिर पी एक्स कंपोनेंट एक साथ आप नॉट करें, पी वाई कंपोनेंट के एक साथ नॉट करेंगे और पी जेड के सेपरेटली नॉट करेंगे। तो इस पार्ट से पी एक्स कंपोनेंट के रिजल्ट न्यूमेरेटर में बनेगा एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस एम के बी टी, इस पार्ट से बनेगा प्लस आई ए एक्स पी एक्स डी पी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस एम के बी टी डी पी एक्स। अब वाई डिपेंडेंट इंटीग्रेशन और जेड डिपेंडेंट इंटीग्रेशन सिमिलर वे में आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। y डिपेंडेंट y कंपोनेंट डिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल माइनस पी वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस एम के बी टी प्लस आई ए बाई पी वाई डी पी वाई डिनोमिनेटर टर्म माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस पी वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस एम के बी टी डी पी वाई जेड कंपोनेंट एक्सपोनेंशियल माइनस पी जेड स्क्वायर बाई ट्वाइस एम के बी टी प्लस आई ए जेड पी जेड डी पी जेड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस पी जेड स्क्वायर बाई ट्वाइस एम के बी टी डी पी जेड। इस स्टेप में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स डिफरेंट कंपोनेंट वाइज सेपरेट किए। अगर आप यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट के लिए इंटीग्रल फाइंड कर लें तो जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स के रिजल्ट्स हैं वो सेम वे में आप फाइंड कर सकते हैं।
आप चेक कर सकते हैं इंटीग्रेंड फॉर्म सिमिलर पार्ट है, तो जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा ओनली जो चेंज है सिर्फ ये कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, तो ये कंपोनेंट फॉर्म को ओनली मॉडिफिकेशन पार्ट के लिए रिप्लेस कर लेंगे, बाकी एस एच फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर पार्ट में जो ये फॉर्म है ये रिकॉल करिए, क्वांटम मैकेनिक्स में एक आपको इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नॉट कराया था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स डी एक्स, तो दैट पार्ट को रिकॉल करिए और यहाँ पे नोट कर सकते हैं स्क्वायर रूट पाई अपॉन अल्फा, अल्फा इन दिस केस इज 1/2 m kbt, स्क्वायर रूट पाई अपॉन अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा स्क्वायर, बीटा इन दिस केस इज आई अल्फा आई एक्स बीटा स्क्वायर, तो ये माइनस हो गया आई स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर बाय 4 अल्फा, जब इस अल्फा में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 फैक्टर है 4 को एडजस्ट करेगा और बाकी पार्ट न्यूमरेटर में जाएगा एम के बी टी। तो यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर में इंटीग्रल है वो मैंने फाइंड कर दिया, अब डिनोमीटर वैल्यू, क्योंकि डिनोमीटर में यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर का पार्ट है तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे पी एक्स पावर 0 है तो गामा हाफ दैट इज रूट पाई ये लिमिट से 0 टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स करेंगे तो 2 फैक्टर एडजस्ट हो गया 1/2 m kbt टोटल पावर 1/2। तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं ये रूट पाई इस रूट पाई से एडजस्ट हो गया 1/2 m kbt पावर हाफ इससे एडजस्ट हो गया, ओनली एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट रहेगा। तो जब ये सेकेंड और थर्ड रिजल्ट नोट करेंगे इंटीग्रल पार्ट के तो ये कंपोनेंट ये जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं ये वन हो जाएंगे, ओनली एक्सपोनेंशियल में सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होंगे, ये ए एक्स स्क्वायर था यहाँ पे एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ए जेड स्क्वायर आ जाएगा। सभी को क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट। दीज थ्री पार्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो एडिटिव हो जाएंगे, एक्सपोनेंट का एडिशन करेंगे एम के बी टी बाई टू कॉमन लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। ये ऑप्शन में आप कंपेयर कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनी है। किसी को अगर किसी स्टेप पे डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। सर सेकंड स्टेप फिर से बता दीजिए। यस सर। उससे नीचे वाली। यस सर। हाँ सर। आपको 2 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एक्स डी एक्स, ये पार्ट आपको बताया हुआ है स्क्वायर रूट पाई अपॉन अल्फा एक्सपोनेंशियल बीटा स्क्वायर बाई 4 अल्फा, अल्फा इन दिस केस इज 1/2 m kbt एंड बीटा इज आई ए एक्स, तो आप यहाँ पे कंपेयर करिए स्क्वायर रूट पाई अपॉन अल्फा, अल्फा में 1/2 m kbt मैंने प्लेस किया है और एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा स्क्वायर, ये टर्म का जब स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर टर्म माइनस वन हो गया ए एक्स स्क्वायर हो गया बाई 4 अल्फा, तो यहाँ पे 1/2 m kbt में 4 अल्फा, इसको 4 टाइम्स कर दीजिए, 4 टाइम्स करेंगे तो ये फैक्टर 4/2 ये 2 टाइम्स हो गया और 1/m kbt न्यूमरेटर में एम के बी टी में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जो डिनोमीटर में वैल्यू है ये इंटीगल तो क्वांटम मैकेनिक्स में मोर टाइम पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन डी एक्स के लिए गामा एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा पावर एन प्लस 1/2 वो आपको यहाँ पर यूज किया है, तो सभी में ये फैक्टर सेम आएंगे 3 कंपोनेंट्स के लिए, वो
ये कंपेयर करें, ये डिवाइड होके वन बन रहा है, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट हो गया, वन बाई ट्वाइस एम के बी टी का पावर हाफ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ये फैक्टर वन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बाकी कंपोनेंट के लिए मैंने फैक्टर को नोट नहीं किया, ओनली एक्सपोनेंशियल फैक्टर में डिफरेंस था, वो क्या पार्ट पे चेंज है वो मैंने इंक्लूड कर दिया, लास्ट पार्ट में टू छूटा है यहाँ पे। जब आप काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे 12th लेवल पे, तो एक कंसेप्ट आता है वहां पे मीन फ्री पाथ का। काइनेटिक थ्योरी में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री मोशन करते हैं, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन वो इलास्टिक कॉलिजन करेंगे, उसके कॉलिजन के अलावा वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हैं। तो दैट पार्ट में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा मीन फ्री पाथ का, जो आप सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं किसी सॉलिड का, दैट टाइम पे ये कंडीशन यूज भी होता है मीन फ्री पाथ। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आपने मीन फ्री पाथ यूज किया होगा सॉलिड स्टेट में। इसका डेफिनेशन और टेम्परेचर डिपेंडेंसी मीन फ्री पाथ का तो प्रॉब्लम पूछा जाता है। द एवरेज डिस्टेंस traveled between two successive collision is called mean free path. ये एक्सप्रेशन को रिकॉल करेंगे आप पढ़े होंगे, तो ये फॉर्म रूट टू पाई एन डी स्क्वायर, इस फॉर्म में आपने ये शायद पढ़ा होगा। ये नोटेशन इंपॉर्टेंट है, लैम्डा यहाँ पे मीन फ्री पाथ है, एन आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, D is the diameter of molecule. और kinetic theory में आप जो molecules लेंगे gas के वो ideal gas law को follow करेंगे, और ideal gas law के लिए ideal gas के लिए आप equation of state PV is equal to n kBT आप पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये number of mole नहीं है इसलिए मैंने एक n kBT में note किया है। जब आप इसमें इस फॉर्म से एन वाई वी फाइंड करेंगे, दैट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस पार्ट में आप चेक कर सकते हैं। यहां से एन वाई बी के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो स्मॉल एन, दैट इज एन वाई बी कैन बी रिटन एज पी बाई के बी टी। तो यहां पे जिस एक्सप्रेशन में आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी और प्रेशर डिपेंडेंसी कंफर्म नहीं था, ये आपको यहाँ पे आइडल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट से कंफर्म होगा। इस एन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, दिस पी बाई के बी टी डी स्क्वायर। मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो दीज टू डिपेंडेंसीज आपको कंफर्म होंगी, प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 8 पे प्रॉब्लम नंबर 14 क्वेश्चन पूछा है मीन फ्री पाथ के लिए, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। The mean free path of the particles of a gas at temperature T0
एंड प्रेशर पी जीरो हैज ए वैल्यू लैम्डा जीरो. इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5 पी जीरो एंड टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू 0.75 टी जीरो. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट स्केल पे टेम्परेचर और प्रेशर वैल्यू के डिपेंडेंसी लैम्डा के लिए आपको यहाँ पे हिंट किया हुआ है. तो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये T2 बाई T1 और P1 बाई P2 बन. आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है कि प्रेशर कैसे क्या चेंज कर रहा है और टेम्परेचर में क्या चेंज कर रहा है. ये इनिशियल मीन प्री बाद लैम्डा जीरो दिया हुआ है. टेम्परेचर को आप रिड्यूस कर रहे हैं तो T2 वैल्यू 0.75 ऑफ T0 है. प्रेशर वैल्यू आपको स्टेटमेंट में मेंशन है, इनिशियल प्रेशर P0 और फाइनल प्रेशर 1.5 P0. अब ये आप रेशो सिंप्लीफाई कर देंगे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा. ये 1/2 रेशो बनेगा तो लैम्डा 2 इज लैम्डा 0/2 इज रिड्यूस टू हाफ, दैट इज सेकंड ऑप्शन. कई बार क्वेश्चन यहाँ पे थर्मल कंडक्शन पे भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. देखो जो मेजर पार्ट था थर्मोडायनामिक्स का वो कंप्लीट हो गया है, बाकी जो छोटे वहाँ पे जिन टॉपिक पे 1 और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ. थर्मल कंडक्शन पे भी सम क्वेश्चन पूछे गए हैं. हीट ट्रांसफर थ्रू थर्मल कंडक्शन तो थर्मल कंडक्शन के लिए कई बार आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. तो ये आप 12th लेवल पे ये एक्सप्रेशन पढ़े भी होंगे, सिमिलर एक्सप्रेशन dQ/dT या delta Q/T दैट इज kA∆T/L. ये फॉर्म आसान हो सकता है पढ़े हो आप लोग Q/T के लिए ये फॉर्म. तो ये थर्मल कंडक्शन के लिए हीट ट्रांसफर का रेट. तो ये थोड़ा मैं हिंट कर रहा हूँ फिर इस पे बेस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अगर आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पेसिमेन ले रहे हैं जिससे हीट ट्रांसफर होगा वन एंड से अनदर एंड को, तो मैंने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कंसीडर करके, समटाइम ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है. तो एरिया का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे शेप से वो आप शेप उसके लिए शेप इम्पोर्टेंट है, बाकी पार्ट आप एरिया को अगर एरिया रिप्रेजेंट कराएं तब ये शेप इम्पोर्टेंट नहीं है. तो अगर यहाँ पे इस एंड को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हीट थर्मल कंडक्शन प्रोसेस से अनदर एंड तक मूव करेगा. तो अगर आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करें, एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx और इस पॉइंट इस एलिमेंट के इस एंड से इस एंड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो dT है और इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया A है. इस एंड का टेम्परेचर T1 है और इस एंड का टेम्परेचर T2 है. इस टोटल मटेरियल के सैंपल का लेंथ L है. तो यहाँ पे आप नोट करेंगे ये A एरिया है
बाकी पार्ट आपको मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। वन एंड का टेम्परेचर टी वन, अनदर का टी टू। एक स्मॉल के नोटेशन लेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर हम इनफाइनाइटेसिमल हीट के लिए रेट फाइंड करेंगे तो ये डी क्यू बाई डी टी बनेगा। ये रेट आप डेरिवेटिव फॉर्म में डिफाइन करते हैं। दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एक तो दीज टू एंड के टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा डी टी पे, इसके एरिया पे डिपेंड करेगा और इसके थिकनेस पे डिपेंड करेगा। This is directly proportional to area change in temperature by thickness amount. अब ये proportionality sign अगर आप eliminate करेंगे तो आपको एक constant multiply करें और that constant is called thermal conductivity. This is K A dT by dx. तो infinitesimal process के लिए ये rate of heat transfer बनेगा। अगर आपको large हीट ट्रांसफर का रेट फाइंड करना है, इस एंड से इस एंड तक कितना हीट फ्लो हुआ यूनिट टाइम में वो आपको फाइंड करना है, तो ये आप इंटीग्रल करेंगे 0 टू L dQ by dt dx k a dt T1 टू T2, वन एंड से अनदर एंड का जो टेम्परेचर उसको इंटीग्रल कर दिया, थिकनेस पार्ट के लिए 0 टू L बनता। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये आपको वहां पे कोई फॉर्म दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, ये आपको थर्मल कंडक्टिविटी सम टाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है, एरिया कांस्टेंट रहेगा वो आप आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट कर सकते हैं, तो दैट पार्ट के लिए आप ये एक्सप्रेशन को इंटीग्रल पार्ट सॉल्व करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। बट जो आप 12th लेवल पे पढ़े होंगे वहां पे ये रेट को इस पोजिशन से इसके पार्ट से इंडिपेंडेंट लेके इसको कांस्टेंट लेके यूनिफॉर्म अगर रेट है, यूनिफॉर्म ही रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको आप डेड पार्ट के लिए कहीं डेल क्यू बाई टी नॉट किए होंगे या आप क्यू बाई टी नॉट किए होंगे इस पार्ट को। तो इसको मैंने रेट को कैलकुलेट करने के लिए डी क्यू बाई डी टी ही आउटर में नॉट कर दिया यूनिफॉर्म रेट हीट ट्रांसफर के लिए। और जैसे इसको नॉट करेंगे फॉर यूनिफॉर्म रेट, तो यूनिफॉर्म होगा तो एक्स इंडिपेंडेंट बनेगा, या होमोजेनियस वर्ड भी आप यूज करते थे। तो ये आउटसाइड इंटीग्रेशन नॉट किया और ये इंटीग्रल किया तो ये एल बन गया। के थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। अब ये इंटीग्रल करेंगे तो टी टू माइनस टी वन बनता है। तो आप रिकॉल करिए 12th लेवल पे आप ये फॉर्म पढ़े थे जो भी मैंने आपको सजेस्ट किया K A by L, और ये पार्ट को आप नोट करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। अब ये नोटेशन चाहे वहाँ पे Q by T रहा हो या डेल्टा Q by T रहा हो, रेट के लिए मैंने ये नोटेशन सेम रखा, बाकी एक्सप्रेशन ये आपको मैंने सजेस्ट कर दिया। पेज नंबर 30 प्रॉब्लम नंबर 9 पेज नंबर 30 प्रॉब्लम नंबर 9 स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। दीज टू प्रॉब्लम्स के लिए या वन प्रॉब्लम और शायद कहीं पे होगा, इसके लिए आपको थर्मल कंडक्शन के लिए आपको स्टेप इन किए हैं। पेज नंबर 30 प्रॉब्लम नंबर 9, ए मैन्युफैक्चरर इज एबल टू ऑफर टू मॉडल्स ऑफ हीट कंजर्विंग विंडोज एज डिस्क्राइब बिलो।
विंडो ए इज ए सिंपल पैन ऑफ ग्लास 4 millimeter थिक. विंडो बी ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट ऑफ 2 extremely थिन पैन्स ऑफ ग्लास सेपरेटेड बाई एन एयर गैप ऑफ 2 millimeter एज शोन इन द फिगर बिलो. फिगर अबव दोनों वर्ड यहाँ पे नोट किए हुए हैं, तो अबव बिलो को आप एलिमिनेट करें यहाँ से, अबव वर्ड यूज करें. इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ग्लास इज नोन टू बी, ग्लास के लिए मैंने जी नोटेशन नोट कर दिया यहाँ पे, 0.8 watt per meter Kelvin एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर 0.025 watt per meter Kelvin. Then the ratio of heat flow QA through window A to heat flow QB through window B is given by. आपको यहाँ पे ये रेशियो फाइंड करना है. अगर आप यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर दें तो ये QA, मैंने कहा कि नोटेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो दोनों पार्ट में आप सेम टाइम से डिवाइड करेंगे. ये आपको फाइंड करना है और ये रिजल्ट अभी आपको यहाँ पे हिंट किया, के ए बाई एल डेल्टा टी आपको यूज करना है. तो के फॉर, यहाँ पे मैंने ये जो नोटेशंस लिखे हैं वो आप चेक करें, विंडो ए में क्या पार्ट है, क्या मटेरियल है, और विंडो बी में क्या मटेरियल है. यहाँ पे मैंने ग्लास नोट किया था, यहाँ पे ईयर नोट किया है, तो ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए. चाहे तो डिफरेंट नोटेशंस आप यूज कर लेंगे. फर्स्ट विंडो पे जाइए, फर्स्ट विंडो में इनसाइड जो मटेरियल है, पेन के इनसाइड का मटेरियल ग्लास है, तो ये चाहे तो आप ये विंडो वाइज इसको नोट कर सकते हैं, ये ए के लिए और ये बी के लिए. सेकंड विंडो में ये एयर फिल किया हुआ है. तो ये थर्मल कंडक्टिविटी जब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ए विंडो के लिए फाइंड करेंगे तो ये के ए एरिया बाई एल फॉर विंडो ए चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई के बी एरिया बाई एल बी चेंज इन टेम्परेचर. अब स्टेटमेंट में चेक करिए, आपको दोनों विंडो का थिकनेस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है एक तरह से मटेरियल पार्ट का, बट इसके जो परपेंडिकुलर साइड है जब आप विंडो बनाएंगे तो ये पार्ट आप लाइक दिस थिंक करें थोड़ा, ये जो शेप होगा ये एक पोर्शन आपको यहाँ पे हाइड किया हुआ, ये पार्ट शो किया हुआ है, बट इसके जो अनदर पोर्शन है ये आपको यहाँ पे शो नहीं किया है ये पार्ट. तो ये एरिया दोनों विंडो का सेम बनेगा. ये जो डायग्राम दिए हैं, डायग्राम में जो आपका जो पेज है नोटबुक का, आप यहाँ पे चेक करें, जो रेक्टेंगल शो किया हुआ है, रेक्टेंगल में आपको जो एक वर्टिकल साइड दी हुई है, इस साइड में इसके परपेंडिकुलर वाली साइड शो नहीं की है, जिससे आपको एरिया कहा गया है. तो दोनों साइड आपको यहाँ पे सेम दी हुई है वर्टिकल साइड, ओनली जो ये हॉरिजॉन्टल साइड है वो आपको यहाँ पे डिफरेंट शो की है, इट मीन्स वो थिकनेस पोर्शन शो कर दिया है, बाकी इसके परपेंडिकुलर जो एरिया है वो शो नहीं किया, बट वो सेम है यहाँ पे, वो फिगर से आपको पता चल रहा है. तो ये एरिया आपको यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. अब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये सेम टेम्परेचर चेंज के लिए रेट आपको फाइंड करना था, ये भी कैंसिल आउट हो गया. तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर विंडो ए एंड थिकनेस फॉर विंडो बी डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी फॉर विंडो बी एंड थिकनेस फॉर विंडो ए. और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको गिवन है. 0.8 थिकनेस आपको बी विंडो के लिए दिया 2 millimeter, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर विंडो बी और थिकनेस विंडो ए के लिए दिया है 4 millimeter. ये आप सिंप्लीफाई कर लीजिए.
लास्ट ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर है पेज नंबर 28 पे, प्रॉब्लम नंबर 15, ये जेस पेपर की प्रॉब्लम है। ए रॉड कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल सेक्शंस ऑफ लेंथ एल, ईच विद कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। वन एंड ऑफ द रॉड इज कैप्ट एट फिक्स्ड टेंपरेचर T1 एंड अदर एंड एट टेंपरेचर T2, वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2। इफ K2 इज twice of K1, then the temperature at the interface is, आपको यहाँ पे two different sections आपको यहाँ पे show किए हैं equal length के लिए। इस part end का temperature T1 और इसके लिए temperature T2, और ये both section के लिए length आपको show किया हुआ है L। इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और यहाँ पे अनदर मीडियम है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। तो ये कॉमन इंटरफेस पे आपको यहाँ पे टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करना है। सपोज इसका टेम्परेचर T है, इस कॉमन इंटरफेस का जो टेम्परेचर है वो T है। अब अगर इस जिसका टेम्परेचर हायर है उससे अनदर पोर्शन को, लोअर टेम्परेचर साइड को हीट ट्रांसफर होगा, तो इस इंटरफेस से हीट ट्रांसफर करेगा वन पार्ट साइड से अनदर साइड को, चाहे इधर से इधर को ट्रांसफर करे, चाहे वो इधर से इधर को ट्रांसफर करे। अब क्वेश्चन में आपको अगर हिंट किया है टेम्परेचर डिफरेंस, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं T1 ग्रेटर देन T2 है, तो इट मीन्स इस साइड से इस साइड को हीट ट्रांसफर होगा। बट इस इंटरफेस के लिए अगर आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चेक करें, जितना इस इंटरफेस से इनवर्ड फ्लो करेगा हीट, वो आउटवर्ड भी फ्लो कर रहा है। इट मीन्स नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर दिस इंटरफेस विल बी जीरो। तो dQ/dt इस पोर्शन के लिए मैंने इसको वन कर दिया और इसका आउटवर्ड फ्लो को टू कर दिया। ये फर्स्ट पोर्शन के लिए वन और सेकेंड के लिए टू, ये टोटल ट्रांसफर जीरो बनेगा। अब dQ/dt फॉर फर्स्ट पोर्शन, इसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 है और इस साइड का टेम्परेचर T है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। तो यहाँ से K1 एरिया बाई लेंथ चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर T-T1 प्लस नेक्स्ट साइड के लिए K2, एरिया दोनों का सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोथ पार्ट के लिए सेम लेना है। टू इक्वल क्रॉस, यहाँ पे इसकी जो साइड दी हुई है ये पार्ट, ये पोर्शन, ये आपको यहाँ पे इंटरफेस पे सेम पर एरिया आपको डायग्राम से हिंट भी हो रहा है, तो एरिया मैंने सेम लिया बाई एल। अब यहाँ पे जब टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब ये टोटल हीट ट्रांसफर जीरो है। अब थर्मल कंडक्टिविटी का जो आपको रिलेशन दिया हुआ है वो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, K2 इज इक्वल टू ट्वाइस K1, तो K1 A बाई L T-T2। अब इसको राइट साइड में इंक्लूड कर लें या सेम साइड इंक्लूड कर लें, जो आपकी चॉइस है। ट्वाइस K1 बाई L एरिया T-T2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से a बाई एल कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाए, k a1 बाई एल ये जीरो में इंक्लूड हो गया, या राइट साइड में अगर इसको इंक्लूड कर लेते साइन चेंज करके तो कैंसिल आउट हो जाए। ये लाइक दिस भी आप नोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस, तो k1 a बाई एल कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से ये t1, ये t, और यहाँ से ट्वाइस t, सेम साइड लाएंगे तो 3t बनेगा। ये इस साइड एक टेम्परेचर T1 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये राइट साइड में इंक्लूड करेंगे तो ये भी प्लस हो गया, T1 प्लस T2 एंड T इज T1 प्लस T2 बाई 3। मिस्टेक हो गया, ये ट्वाइस T2 है, सॉरी ये टर्म ट्वाइस T2 है, ये टू फैक्टर यहाँ पे मिस हो गया, तो ये ट्वाइस T2 है।
अब ऑप्शन में आप कंपेयर कर लीजिए, टी वन प्लस ट्वाइस टी टू बाई थ्री थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। सर इसका एक बार इनिशियल स्टेप एक्सप्लेन कर दीजिए, dQ1 dQ/dt1 प्लस इस टोटल पार्ट से कहीं पे ही ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो सर मतलब हम इनिशियल कोई अमाउंट हीट का नहीं दे रहे इसमें? हाँ जी, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही ट्रांसफर हो रहा है। ओके सर, स्टेटमेंट से कंफर्म है ना? टोटल से ही ट्रांसफर जीरो होने से ये दोनों, जितना फर्स्ट सैंपल से अनदर को प्रोवाइड होगा, एक के लिए प्लस होगा एक के लिए माइनस होगा, दोनों का सम करेंगे तो जीरो बनेगा। ओके सर। पेज नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 16, पेज नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 16, स्टेटमेंट रीड करिए। मैं डिस्कस करता हूँ, कंपेयर कर लेंगे जो स्टेप्स आपने फॉलो किया हो। ए सैंपल ऑफ आइडल गैस विद इनिशियल प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, प्रोसीड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन टेम्परेचर जीरो बनेगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। During which change in entropy is found to be delta S. The universal gas constant is R. Then the work done by the gas is given by. By using combined form of first and second law of thermodynamics, TdS is equal to dU plus PdV. Or change work done. और statement में mention है कि isothermal process ideal gas पे perform कर रहा है। जब यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, इसको इंटीग्रल करेंगे, TdS इंटीग्रल du इंटीग्रल dw, तो ये पार्ट जीरो बनेगा और ये पार्ट वर्क डन के लिए नोटेशन डेल्टा डब्ल्यू बनेगा। और ये टर्म को आप जब t कांस्टेंट है तो आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट करेंगे और चेंज इन एंट्रोपी इस प्रोसेस में डेल्टा एस दिया हुआ है। तो वर्क डन आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि वर्क डन t डेल्टा एस है, बट ऑप्शन में टी डेल्टा एस प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स टेम्परेचर पार्ट कहीं पे प्रेजेंट नहीं है किसी भी ऑप्शन में। और आइडल गैस के लिए आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज करेंगे, तो ये टेम्परेचर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं पी वी बाई एन आर से। यहाँ पे प्लेस कर दें पी वी डेल्टा एस बाई एन आर, ये ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर लीजिए PV delta S by NR, first option correct बन गया। पेज नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 7,
The entropy temperature diagram of two Carnot engines A and B is shown in the figure 5. The efficiency of the engines eta A and eta B respectively. Which one of the following equalities is correct? देखो स्टेटमेंट में इंजन वर्ड यूज किया है तो वर्डन आपको जो मैंने इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन आपको डिस्कस किया था तो इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में वर्डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव आता है तो इंजन वर्क करेगा तो उसका वर्डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव आना चाहिए बट यहाँ पे ये जो साइकिल के अगर डायरेक्शन को आप कंसिडर करें तो वर्डन निगेटिव आएगा एरिया इनक्लोज बाय द साइकिल से निगेटिव आएगा इट बट आपको यहाँ पे ये इंजन वर्ड कहा है तो एफिशिएंसी के रिजल्ट्स आपको फाइंड करना है और एफिशिएंसी में मैंने आपको ये पार्ट बताया था कि वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ एफिशिएंसीज में क्यू वन क्यू टू जो पार्ट ले रहे थे जो वर्क डन था डीज का डिफरेंस था एब्सोल्यूट वैल्यूज का वो दैट पार्ट में अगर इसको जैसे ये थिंक कर सकते हैं कि अगर साइन कन्वेंशन को एक्सचेंज करें तो ये एरो आपके एक्सचेंज जाएंगे बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज अगर आप फाइंड करेंगे वो सेम रहेंगे तो यहाँ पे टीएस डायग्राम आपको दिया है तो टीएस डायग्राम के लिए आप यहाँ पे कार्नोट इंजन में टू डिफरेंट इंजन के कॉरस्पॉन्डिंग ये टीएस डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है इफिशियंसीज को बोथ के लिए आपको कंपेयर करना है और यहाँ पे ये कंपेरिजन के लिए ये टी एक्सिस पे आप कंपेयर करें ये कनेक्ट किया हुआ है ये जो प्लॉट है ये जो कर्व है ये थ्री पोर्शन में डिवाइड हो रहे हैं तो इफिशियंसी को कंपेयर करने के लिए एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर दिस प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर का एरिया आपको चेक करना था तो यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ ए इंजन और बी इंजन चेक करने के लिए आप यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर इस पोर्शन को सपोज मैंने स्मॉल ए एरिया कंसिडर इस टोटल का एरिया जो है वो मैंने ए कंसिडर कर लिया कंपेयर करने के लिए तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं अगर ए इंजन का एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो वर्क डन अगर ये एक बॉक्स का एरिया स्मॉल ए है तो यहाँ पे थ्री बॉक्सेस इनक्लोज हो रहे हैं और टोटल एरिया के लिए थ्री ए और वन ए तो ये फोर एरिया फोर टाइम्स ऑफ एरिया है ऐसे ही आप बी के लिए चेक करेंगे तो सेम पोर्शन बनेगा ए कैंसिल आउट हो गया तो बोथ की इफिशियंसी यहाँ पे मैच कर गई पॉइंट क्लियर हो गया सभी को नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 14 प्रॉब्लम नंबर 6 स्टेटमेंट रीड कर लीजिए पेज नंबर 14 प्रॉब्लम नंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m इन ए थिन लॉन्ग वायर एट टेंपरेचर t फॉलो ए वन डायमेंशनल मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इज वन डायमेंशन के लिए आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड डिस्कस किया हुआ है वो जीरो बताया था कंपेयर कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन में जीरो दिया हुआ है नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 27 प्रॉब्लम नंबर 7 पेज नंबर 27 प्रॉब्लम नंबर 7 स्टेटमेंट रीड करेंगे ट्राई करेंगे
लेट ए पार्टिकल ऑफ मास 1 × 10⁻¹⁹ किलोग्राम कंस्टेंट टू हैव वन डायमेंशनल मोशन बी इनिशियली एट द ओरिजिन द पार्टिकल इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए हीट बाथ एट केबीटी इज इक्वल टू 10⁻¹⁸ जूल What is the value of mean square position of the particle after time 5 second? तो अगर ये time के respect में इसका variation find कर लें तो time value वहां पे 5 second place करके result आप find कर सकते हैं. तो इसको find करने के लिए यहां पे सिस्टम को आप जब हीट सप्लाई करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो पार्टिकल फ्री मोशन करेगा और फ्री मोशन से यहाँ पे मास इनटू एक्सेलेरेशन d2r या वन डायमेंशन पार्ट पोजिशन के लिए x लिखा है तो d2x/dt² को जीरो करेंगे मास इसमें जीरो में डिवाइड करेंगे वो जीरो हो गया तो एक्सेलेरेशन पार्ट जीरो हो गया फोर्स एब्सेंट होने से इसको वन टाइम इंटीग्रल किया तो dx/dt आपको यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू बनी और वेलोसिटी की वैल्यू आपको यहाँ पे कांस्टेंट बनी. अब अगर इसका फिर से वन टाइम इंटीग्रल करें तो ये पार्ट का इंटीग्रल करने के लिए आपको यहाँ पे dx = vdt पार्ट बनेगा. v कांस्टेंट है आउटसाइड इंटीग्रेशन नॉट हो गया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को आप यहाँ पे ऐड करेंगे. दिस इज x दिस इज vt प्लस x नॉट और अगर आप इस रिलेशन में t को जीरो कर दें यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है t = 0 जैसे ही प्लेस करेंगे तो t = 0 पर जो पोजीशन की वैल्यू है वो आपको जीरो दी हुई है तो ये टर्म जीरो टाइम वैल्यू जीरो करने से ये टर्म भी जीरो तो एक्स नॉट आपको जीरो पता चल गया. तो यहाँ से रिलेशन आपको पता चल गया x = vt. अगर आप यहाँ से x² फाइंड करेंगे तो v² t² अब अगर इसका एवरेज फाइंड करना है मीन स्क्वायर पोजीशन का तो आपको वी स्क्वायर का एवरेज पता होना चाहिए. वहाँ पे आप टी की वैल्यू 5 प्लेस करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. बट इस वी स्क्वायर को आपको रिलेट करना है थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी हुई है वन डायमेंशन के लिए एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो ½mv² होता है वो ½kbt बनेगा जो kbt की वैल्यू आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन है. तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप इस एक्सप्रेशन में प्लेस कर दें दैट इज kbt/m t² तो ये प्रॉब्लम में किसी भी टाइम पे रिजल्ट आपसे पूछा जाए वो आप फाइंड कर सकते हैं. तो 5 सेकंड पे पूछा है वो आप फाइंड कर लीजिए. x² एवरेज kbt की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 10⁻¹ जूल मास आपको दिया हुआ है 1 × 10⁻¹⁹ और t² तो 5² दैट इज 25 तो 250 मीटर बनेगा. आंसर की मैं आपको 250 न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है. नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 26 प्रॉब्लम नंबर 3 स्टेटमेंट रीड करिए. पेज नंबर 26 प्रॉब्लम नंबर 3 देखो स्टेटमेंट जरूर खुद से एक बार सभी प्रॉब्लम का जब मैं डिस्कस करता हूँ जरूर पढ़ लिया करें कि जब तक स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा
आपको जो मैं स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ उनका रीजन नहीं पता चलेगा क्यों वो फॉलो कर रहे हैं, क्या गिविन है वो आपको इन्फॉर्म नहीं, वो हिंट नहीं रहेगा, क्या फाइंड करना है उसका आपको हिंट नहीं रहेगा। इसलिए जितने स्टेप्स फॉलो सकते हैं वो फॉलो कर लिया करें, कम से कम आप स्टेटमेंट जरूर पढ़ेंगे। An ideal gas with adiabatic exponent gamma undergoes a process in which its pressure P is related to its volume by the relation P is equal to P0 minus alpha V, where P0 and alpha are positive constants. The volume starts from being very close to zero and increases monotonically to P0 by alpha. At What value of volume during the process does the gas have maximum entropy? तो आपको एंट्रोपी का वेरिएशन अगर वॉल्यूम के टर्म्स में पता चल जाए गिवन प्रोसेस के लिए, तो एंट्रोपी की फंक्शन को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करके, इट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप स्टेप्स फॉलो करते हैं वो स्टेप्स फॉलो करके वॉल्यूम की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक, वॉल्यूम की किस वैल्यू के लिए एंट्रोपी मैक्सिमम बनेगा। अब चाहे तो आर्टिकल में जो मैंने आइडल गैस के लिए एंट्रोपी की चेंज के एक्सप्रेशन आपको डिस्कस किए हैं उनको आप डायरेक्ट यूज कर लें या फिर से आप स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी इंटीग्रल डीएस बाई यूजिंग कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी यू बाई टी इंटीग्रल पी डी वी बाई टी। डी यू को आप नोट करेंगे, स्टेटमेंट में आपको मोल्स का आइडिया नहीं है, मैं ये नोटेशन को सजेस्ट कर रहा हूँ कि सी वी वैल्यू अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं तो सी पी सी वी जो भी नोटेशन आएंगे ये आपको मोलर के लिए पता चल गए, तो इस पार्ट को आप नोट कर सकते हैं, ये इस पार्ट को डी यू को एन मोल्स के टर्म्स में एन सी वी डी टी वाई टी। और आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस स्टेटमेंट में मेंशन है, ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, तो पी वाई टी को आप एलिमिनेट करेंगे एन आर टी वाई वी से, पी एलिमिनेट हो गया तो डी वी वाई वी। अब ये रिकॉल करिए, चाहे तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं था तो ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आप ऐड कर सकते थे, या तो आपको लिमिट पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इंडेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो मैंने कांस्टेंट ऐड कर लिया। अब ये पार्ट पे जाइए, एन सी वी एल एन ऑफ टी प्लस एन आर एल एन ऑफ वी प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप चेक करिए वहां पर मैंने एक पर्टिकुलर स्टेट से अनदर स्टेट में आइडल गैस को अगर आप मूव करा रहे हैं तो यही फॉर्म एल सी वी एल एन टी एफ वाई टी आई एन आर एल एन वी एफ वाई वी आई नॉट कराया था, बट यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो कॉन्स्टेंट मैंने ऐड किया। ये नोटेशन को मैंने एंट्रोपी चेंज से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे ये टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, बट इस प्रोसेस की कंडीशन अभी आपको यहाँ पे यूज नहीं है, इट मीन्स पहले आपको इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस टेम्परेचर को आप फिर से इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करके प्रेशर में पहले कन्वर्ट करें, दैट इज एन सी वी एल एन पी वी बाई एन आर प्लस एन आर एल एन वी प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहां से एन सी वी एल एन वी और एक टर्म यहां पे है एल एन वी, बीज को कंबाइंड करेंगे एन सी वी प्लस एन आर एल एन वी, एक टर्म प्रेशर के लिए दैट इज एन सी वी एल एन पी, और जो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म होगा माइनस एन सी वी एल एन एन आर, ये टर्म कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में आप इसको किसी न्यू कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस की कंडीशन आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, इस टर्म को आप एन सी पी नोट कर सकते हैं,
एन सी पी एल एन बी प्लस एन सी वी एल एन पी जीरो माइनस अल्फा। अब दीज टू टर्म को कोई मैंने सेपरेटली अनदर कॉन्स्टेंट एस नॉट ले लिया, सपोज दीज टू पार्ट को एस नॉट कॉन्स्टेंट है। अब आप ये एक्सप्रेशन को चेक करिए, एंट्रोपी का एक्सप्रेशन ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप डिफरेंशियल करेंगे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशियल करके जीरो के इक्वल प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशियल किया, एन सी वी कॉन्स्टेंट है, एल एन वी का डिफरेंशियल 1/5 एन सी पी होगा सर। हाँ जी ये मिस्टेक हो गया, सी पी रहेगा। तो डिफरेंशियल करेंगे एन सी पी 1/V। अब इस टर्म का डिफरेंशियल करेंगे, दैट इज एन सी वी 1/P0 माइनस अल्फा वी। और ये टर्म का जो डिफरेंशियल करेंगे, पी जीरो कॉन्स्टेंट है, v के रेस्पेक्ट में माइनस अल्फा में, इस टर्म का डिफरेंशियल जीरो। जो ऑप्शन में रिजल्ट्स बनाए हुए हैं वो एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा का फॉर्म आपको दिया हुआ है, गामा नोटेशन दिया है, ये सी पी वाई सी वी को आप गामा नोट करेंगे। इस एक्सप्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे इस रिजल्ट को, तो एन सी पी बाई वी ये राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस साइन है राइट साइड में प्लस हो गया, एन सी वी अल्फा बाई पी जीरो माइनस अल्फा, ये एन कैंसिल आउट हो गया, सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, ये 1/V सेपरेट कर दिया मैंने, 1/ अल्फा बाई पी जीरो माइनस अल्फा वी। ये टर्म को गामा नॉट करेंगे, गामा बाई वी इज इक्वल टू अल्फा पी जीरो माइनस अल्फा वी। अब वी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये गामा पी जीरो माइनस अल्फा गामा वी इज इक्वल टू अल्फा वी। वॉल्यूम वाले टर्म एक साथ नोट करेंगे, गामा पी जीरो इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस गामा वी, देन वी इज गामा पी जीरो बाई अल्फा वन प्लस गामा। इस वॉल्यूम की वैल्यू पे एंट्रोपी मैक्सिमम होगा, ये ऑप्शन में सेलेक्ट कर लीजिए, गामा पी जीरो बाई अल्फा वन प्लस गामा थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पॉइंट सभी को क्लियर हो गए? जी सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 9। पेज नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 9। स्टेटमेंट रीड करिए, इन ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस the volume of 1 mole of an ideal gas is varied as v is equal to a t power minus 1 where a is any constant, the adiabatic exponent of the gas is gamma, what is the amount of heat received by the gas if the temperature of the gas increases delta t in this process, टेम्परेचर में चेंज आपको दिया है डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड करना है जिस प्रोसेस के लिए वॉल्यूम लाइक डिस्पेरी करेगा।
गामा की रिक्वायरमेंट होगी आगे कहीं, तो ये पार्ट आप यूज करेंगे। अब बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी क्यू कैन बी रिटन एज डी यू प्लस पी डी वी फॉर आइडल गैस। स्टेटमेंट में वन मोल मेंशन किया हुआ है, अगर कहीं रिक्वायर्ड होगा तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आप यूज कर सकते हैं, या आप ये रिलेशन यूज करेंगे, ये मोलर स्पेसिफिक हीट अगर ये है तो ये सी पी माइनस सी वी का जो डिफरेंस है वो आर बनेगा। अगर ये आपको वन मोल मेंशन किया हुआ है इसलिए यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट बन गया, इसलिए सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू मैंने आर यूज कर लिया, अगर ये रिक्वायर्ड होगा तो ये अप्लाई। अब आपको हीट ट्रांसफर फाइंड करना है तो ये आप इंटीग्रल करेंगे डी यू प्लस पी डी वी। डी यू को आप नॉट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सी वी, वन मोल है इसलिए सी वी डी टी बन गया। प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट से आप एलिमिनेट करेंगे, पी वी इज इक्वल टू आर टी, आर टी बाई वी, और इस वी का ये वेरिएशन प्लेस करें। डीवी की वैल्यू यहां से फाइंड कर लें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, टोटल पार्ट टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ए कांस्टेंट माइनस वन टी पावर माइनस टू डी टी। ये प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, ए कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये माइनस से ये माइनस हो गया, ये सॉरी ए कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। अब ये टी पार्ट को कंपेयर करें, जब आप दिस फॉर्म को कंपेयर करेंगे तो टी पार्ट यहाँ से एलिमिनेट हो गया, इंटीग्रल डी टी को आप डेल्टा टी नॉट कर सकते हैं। तो ये हीट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ सी वी और डेल्टा टी आपको नॉट हो गया, बट ऑप्शन में अगर आप कंपेयर करें तो ऑप्शन में आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट दिया है, सी वी नहीं है। अब यहाँ से आप डेल्टा टी आप कॉमन ले लें या इस सी वी की वैल्यू को आर के टर्म्स में प्लेस कर दें, और इस ऑप्शन में गामा भी है और आर भी है, तो आपको ये दीज टू रिलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप दीज टू रिलेशंस यहाँ पे अप्लाई करें तो सी पी की वैल्यू को आप गामा सी वी लिख सकते हैं विद दिस रिलेशन, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, एंड सी पी बाई यूजिंग दिस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ सी वी कैन बी रिटन एज गामा सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, देन सी वी इन टर्म्स ऑफ गामा एंड आर कैन बी रिटन एज आर बाई गामा माइनस वन, यहाँ पर प्लेस कर दीजिए आर बाई गामा माइनस वन डेल्टा टी माइनस आर डेल्टा टी, आर डेल्टा टी कॉमन ले लीजिए। वन बाई गामा माइनस वन माइनस वन, देन डेल्टा क्यू, ये एलसीएम गामा माइनस वन आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस ऑफ गामा माइनस वन बनेगा, और माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस वन भी प्लस हो जाएगा, तो टू माइनस गामा आर डेल्टा टी, ये ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर लीजिए, लास्ट ऑप्शन कर देते हैं। बाकी थर्मोडायनामिक्स में आपको एक कहीं रिकॉर्ड होगा जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए, तो जूल थॉमसन इफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करना है। बाकी थर्मोडायनामिक्स के इस असाइनमेंट में फेज ट्रांजिशन के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो स्टैटिकल मैकेनिक्स डिस्कस करने के बाद मैं आपको फेज ट्रांजिशन डिस्कस करूंगा, तब ये फेज ट्रांजिशन के क्वेश्चंस भी इस असाइनमेंट के आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग सिलेबस था एक्सेप्ट फेज ट्रांजिशन फॉर थर्मोडायनामिक्स वो आपको मैंने डिस्कस कर दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में जूल थॉमसन इफेक्ट और मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो ये थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कल ही आपको स्टैटिकल मैकेनिक्स स्टार्ट होगा। स्टैटिकल मैकेनिक्स के लिए मैंने
क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपको स्पिन का कंसेप्ट बताया है, आइडेंटिकल पार्टिकल का कंसेप्ट बताया है, वो आइडेंटिकल पार्टिकल को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, स्पिन के कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे, और फेज स्पेस का थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। फेज स्पेस आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जो स्टैटिकल मैकेनिक्स के लिए रिक्वायर्ड होगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो उन पॉइंट्स को रिलेट करने के लिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, फेज स्पेस, आइडेंटिकल पार्टिकल्स और स्पिन, जो आगे स्टैटिकल मैकेनिक्स में माइक्रोस्ट्रिप्स के लिए, एनसेम्बल्स के लिए ये कहीं भी यूज होंगे तो आप इनको रिलेट कर पाएंगे। मैं स्लाइड शो कर देता हूँ। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। सर जहाँ पे हमने फ्री मीन पाथ पढ़ा था जी, सर जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी तो बढ़नी चाहिए, तो फिर डिस्टेंस हो तो उनके बीच का जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का है वो तो घट जाना चाहिए, तो ऐसे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ रहा है। फिर ये फिर से बताइए सर, जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो एक्चुअल में जो आप पढ़ रहे हैं वो रैंडम पार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो वेलोसिटी पढ़ रहे हैं वो भी एवरेज वेलोसिटी है, और जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एवरेज डिस्टेंस है। यहाँ पे जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये मानते हैं कि मॉलिक्यूल के कोलिजन के लिए इसके डायमीटर के इक्विवेलेंट, यहाँ पे एक हमने सिलेंडर कंसिडर कर लिया, इसका क्रॉस सेक्शन पार्ट, इसके इनसाइड में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे वो कोलिजन करेगा उस पार्ट से, तभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो आप चेक कर रहे हैं वो आप सिंगल मॉलिक्यूल के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के टाइम को रेफरेंस लेके चेक कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितने यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, मोर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हम इस मॉलिक्यूल को चेक करने लगे तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है कि इसको कोलिजन करने में ये R1 डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है तो नेक्स्ट की कोलिजन के लिए हायर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब आपको क्या पता यहाँ पे कि जो जो पार्ट है कि ये इससे पहले ही फॉलो करेगा, हो सकता है इससे ये पहले इस पर कोलिजन किया हो फिर इसके इससे कोलिजन करने लगे, तो ये तो पहले से आपको नहीं पता कि मॉलिक्यूल्स कहाँ पे कोलिजन कर रहा है, तो आप एवरेज बिहेवियर कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके सर, ठीक सर, ठीक सर, ओके सर। सर एक बार पेज नंबर 14 पे 7th वाला प्रॉब्लम बता दीजिए वापस से। 14 पे 7th किस पार्ट पे डाउट है? जो हमने एफिशिएंसी नोट डाउन करी है ना वो 3a/4 के लिए है, वो नहीं समझ आया। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? 14 पे 7 ये वाले की है। हाँ जी, आप इसमें कह रहे हैं एफिशिएंसी कैसे नोट करिए? देखो एक बार तो स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़ लें, स्टेटमेंट में ये एरो लाइक दिस दिए हुए हैं,
अगर हम इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन का रेफरेंस लें और ये एरो सेम कंसीडर करें तो ये इंजन बनेगा ही नहीं, ये रेफ्रिजरेटर बन जाएगा, क्योंकि इसमें वर्क डन नेगेटिव है, ऑन द सिस्टम वर्क करना पड़ेगा, जबकि इंजन वर्क डन करता है रेफ्रिजरेटर पे हमें वर्क करना पड़ता है। तो मैंने वो पार्ट को यहाँ पे, या तो आप साइंटिफिक साइन कन्वेंशन ले लें तो नेगेटिव वर्क डन बाई द सिस्टम हो जाएगा, या मैंने जो आपको रेफरेंसेस किए हैं उनमें ये एरो को थोड़ी देर के लिए आप चेंज कर लीजिए। जो चेंज करेंगे तो आपको मैंने ये हिंट किया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस पे जो हीट ट्रांसफर है वहां से आप क्यू1 कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे चेक करिए, अब एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, अब एंट्रोपी इंक्रीज होगा तो इसके अंडर का जो एरिया है वो आप फाइंड कर सकते हैं, इसका अंडर का एरिया ये टोटल, इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया बन गया। अब यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग सब्सटेंस रिजर्वायर से हीट टेक करेगा आइसोथर्मल प्रोसेस पे, तो दिस इज Q1 जो भी मैंने एरिया सजेस्ट किया। अब यहाँ पे आप चेक करिए, इसके इस प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस, टू आइसोथर्मल प्रोसेस है यहाँ पे, यहाँ पे आप कंपेयर करिए एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है और दीज टू प्रोसेस में एंट्रोपी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली हीट ट्रांसफर दीज टू प्रोसेस में हो रहा है, और एंट्रोपी डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस हीट को रिजेक्ट करेगा, और रिजेक्ट करेगा दैट इज अमाउंट Q2। अब दीज के डिफरेंस से, इस टोटल एरिया में से आपने ये एरिया अंडर द कर्व डिफरेंस कर दिया, तो एरिया एनक्लोज बाई द साइकिल बना, दैट इज वर्क डन। तो इफिशियंसी मैंने आपको डिस्कस किया था W/Q1। अब यहाँ पे Q1 आपने कैलकुलेट किया, एक ये बॉक्स का एरिया, एक ये बॉक्स का एरिया, एक ये बॉक्स का एरिया, और ये, तो ये स्मॉल बॉक्स जो मैंने कंसीडर किया सभी सेम एरिया के हैं, उसका एरिया मैंने ए कंसीडर कर लिया, तो ये 4 times बन गया, और इस साइक्लिक प्रोसेस का जो एरिया है इसमें 3 boxes इनक्लोज हो रहे हैं, तो ये 3 times हो गया, तो ये रेशियो 3/4 आ गया। क्लियर हुआ? ओके सर, ओके, यस सर। और पूछना है किसी को? सर कल वो एक मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड 1 dimension के लिए करवाया था, उसके अंदर जो कांस्टेंट है ए, उसकी वैल्यू मेरी ये नहीं निकल पा रही, मतलब m by 2π kbt की पावर 1/2, एक 2 factor एक्स्ट्रा और आ रहा था सर, बताने को। फिर से बोलिए। सर मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 1 dimension था ना कल, उसके अंदर जो कांस्टेंट था ए, जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए निकाला था, उसकी वैल्यू ये नहीं आ पा रही, मतलब m by 2 kbt की पावर 1/2, मतलब एक 2 factor एक्स्ट्रा और आ रहा था सर यहाँ पर। ये 2 factor की बात कर रहे होंगे ना? यस सर। दरअसल रीजन क्या है, मैं आपको ये सजेस्ट कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट को चेक करें। जब हमने 3 dimension लिया था, ये मुझसे मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे 1 dimension लिमिट में प्लेस करते हैं, बाकी में करेक्ट है, बट मैं रीजन सजेस्ट कर दे रहा हूँ। जब हमने स्फीयर ड्रॉ किया 3 dimension में, पॉइंट को रिलेट करेंगे थोड़ा, ये एक्स एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो स्फीयर में आप चेक करिए, ये x पॉजिटिव भी जा रहा है, नेगेटिव भी जा रहा है। यस सर। y डायरेक्शन के लिए भी ये y पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, z के लिए भी पॉजिटिव नेगेटिव है। इट मींस स्फीयर का एरिया हम कार्टेशियन में अगर कैलकुलेट करने लगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी, बट यही पार्ट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 0 to ∞, 0 to π, 0 to 2π। तो यहाँ तो वो 2 factor हमारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा था, क्योंकि हमने ये जो 2 factor का कंडीशन था या नेगेटिव वाली लिमिट का कंडीशन था वो इनसे इंक्लूड हो गया, जो 1 dimension में इंक्लूड नहीं हो। तो ये आप 1 dimension में सभी कैंडिडेट लिमिट को ये -∞ to +∞ इंक्लूड कर लिया, बस तब आ जाएगा सर। पर ये डाउट आपको ये होगा कि नेगेटिव स्पीड क्यों आ रहा है। यस सर। जस्ट नेगेटिव इसलिए लिया है, जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो वैसे तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, बट इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर ये हमने रेफरेंस एक्सिस एक्स लिया तो पार्टिकल इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, बट दोनों केस में
ये जो वेलोसिटी है वो तो चेंज हुई, बट स्पीड की जो वैल्यू है वो डबल हो गई, तो इसको हम टू टाइम्स कर सकते हैं। ओके सर, क्लियर हो गया? यस सर। हेलो सर, सर क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 19 पर स्टार्टिंग के एक दो स्टेप बता देंगे। 25 पेज पे? नहीं सर, पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 25। स्लाइड बता दीजिए मुझे सर। स्लाइड नहीं पता ये। हाँ जी, ये प्रॉब्लम में टू मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव वेलोसिटी आप यही डिफाइन करेंगे या ये डिफाइन करेंगे v2 माइनस v1? बोलिए, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, हो सकता है आपने स्टेटमेंट को इग्नोर किया हो। ए गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ विच हैव मास m इज एट इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर t, द रूट मीन स्क्वायर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। सेम गैस के टू मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव वेलोसिटी का आपको रिजल्ट फाइंड करना है। रिलेटिव वेलोसिटी पहले आप यही तो डिफाइन करेंगे। यस सर, मैंने लास्ट में कंप्लीट नहीं पढ़ा, सॉरी, स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। यस सर, यस। सर कल के क्वेश्चन में और डाउट था सर, जो पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर 26 कराया था, वहां पर जो फाइनल आंसर है उसके अंदर लास्ट में, फिर से बताइए, 37 पे क्वेश्चन नंबर 26, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, 37 पे 26। हाँ जी बोलिए सर, जो इसके ना लास्ट में फाइनली जो आंसर निकल रहा है कैलकुलेट करने पे, वहां पर एम और एक्स्ट्रा आ रहा था सर, नहीं आएगा वो सर, पता नहीं क्यों आ रहा था सर। लास्ट रिजल्ट जो पता हो आपको ये कंपेयर करके बताइए, एक तो वहां पे था टी था और एक पार्ट था यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी स्क्वायर था। यस सर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल वी बाई डेल पी। यस सर, यही पार्ट था ना? यस सर, माइनस और था सर। हाँ, माइनस इंक्लूड कर लेंगे। आप यहाँ पे चेक करिए, इसको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बनाना है। yes, तो sir. हमें यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। yes, और sir. अगर आप यहाँ पे हमारा 1/v² होता तो टोटल का स्क्वायर लिख सकते थे, मैंने ये v² मल्टीप्लाई कर दिया। yes, sir. क्लियर है? yes, sir. अब ऐसे यहाँ पे मैंने v मल्टीप्लाई किया और v से डिवाइड कर लिया। yes, sir. तो ये v तो एडजस्ट हो गया। Yes, sir. बट क्योंकि वहां पे जो नोटेशन दिया हुआ है वो वॉल्यूम ना देख के स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है। yes, sir. अब यहाँ पे आप चेक करिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए इस पार्ट में ये जो टर्म है, मैंने पहले इसको ये जो वी स्क्वायर टर्म है मैंने ये पार्ट इंक्लूड कर लिया। यस सर, और इसको भी मैंने सेपरेटली वी बाई एम स्क्वायर कर लिया, अब तक तो एम एडजस्ट है। यस सर, और डेल वी बाई डेल टी इसको मैंने लिखा यहाँ पे वी बाई एम। ये यहाँ पे चेक करें, ये 1/v डेल वी बाई डेल टी, ठीक है, एक yes, मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे है। यस सर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पे मास एडजस्ट हो रहा है। यस सर, ये तो हो रहा है। ये मास यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, आप ये कह रहे हैं ना, ये पार्ट। यस सर, वो एक हो रहा है, एक पार्ट प्रेजेंट रहेगा क्योंकि एक ही पार्ट चेंज हो रहा है यहाँ पे। यस सर, कोई बात नहीं, एप्रोप्रिएट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, या आप पर दोनों पार्ट एडजस्ट नहीं होंगे ये, क्योंकि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम में अगर नहीं बनाया ये तब हो सकता है। ये एक पार्ट और चेक कर लेते हैं, ये टर्म को मैंने 1/v डेल वी बाई डेल टी
क्योंकि ये डेफिनेशन तो करेक्ट है ये पार्ट। यहाँ पे हम चेक करते हैं अगर, तो ये वी का वन पावर एडजस्ट हो गया, यस सर, एम तब भी मल्टीप्लाई होगा, तब भी आएगा ये पार्ट आएगा, यस सर, फिर वो एम तब भी आ रहा था सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके सर। और पूछना है किसी को? सर ये आज जो 27 पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था, इसके अंदर फोर्स जीरो क्यों लिया, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा? आपको कोई फोर्स दे नहीं रखा है ना, ना कोई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म दिया जो पोजीशन डिपेंडेंट हो। जब तक नहीं देगा तो आप उसको फ्री पार्टिकल मान लेंगे, क्योंकि अगर फ्री पार्टिकल नहीं कंसिडर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे किस तरह से बिहेव करेगा, आप कैसे मानेंगे उसको? यस सर, अगर अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग फॉर्म मानेंगे तो आंसर फिर अलग आएंगे। ओके सर, इसलिए करा था। यस सर, और पूछना है किसी को? नो सर, मैं एग्जिट करता।